शुभ प्रभात सभी को। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे लिखा है षष्ठ पाठ, इसका नाम है गृहम शून्यम सुताम विना। यहाँ पे क्यूआर कोड देख रहे हैं, क्यूआर कोड ये वाला। अगर आपको लगता है आपके पास अभी बुक नहीं है, लॉकडाउन में बुक नहीं है, आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करें। स्कैन करने के बाद आपके मोबाइल पे बुक आ जाएगी। बुक मतलब ये वाला लेसन जो है आपके सामने आ जाएगा। हर लेसन के साथ में क्यूआर कोड रहता है। तो अब बढ़ते हैं हम इस पाठ की ओर। इस पाठ का नाम, जैसा मैंने आपको बता दिया, गृहम शून्यम सुताम विना, ये नाम है इसका। ठीक है, गृहम होता है घर, शून्यम होता है जीरो, सुताम होती है लड़की, और विना मतलब अधूरा। तो घर शून्य है लड़की के बिना, घर अधूरा है लड़की के बिना, इस पाठ का नाम है। ठीक है बच्चों, इस पाठ में मुख्यतया मैं आपको पहला पैराग्राफ पढ़ना सिखाऊंगा, आप उसे पढ़ेंगे और समझेंगे। ज़्यादा गहराई में ना जाते हुए हम बेसिकली जो इसको पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है वो हम सीखेंगे। तो इसकी यहाँ पर इंट्रो लिखी हुई है, ये पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है। ठीक है, लड़कियों की जो हत्याएं होती हैं उनके ऊपर रोक और उनकी जो शिक्षा है वो उन्हें मिले, इसकी लिए मोटिवेट कर रहा है पाठ। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज भी समाज में यत्र तत्र देखी जाती है, जिसे दूर किए जाने की आवश्यकता है। संवादात्मक शैली में इस बात को सरल संस्कृत में प्रस्तुत किया गया है, बहुत इजी संस्कृत में बताने की कोशिश की गई है। तो चलिए बढ़ते हैं हम पाठ की ओर। आप इस पाठ को शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम इस बार इसकी रीडिंग जो है वो अच्छे से कर पाएं। तो रीडिंग के लिए ही बेसिकली मैं आपको बताऊंगा कि आप इसकी रीडिंग जो है वो किस तरह से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ लिखा है शालिनी, क्या लिखा है? शालिनी, शालिनी ग्रीष्मावकाशे। अब बच्चों को ऐसा लगता है बहुत मुश्किल लिखा हुआ है, कहाँ मुश्किल लिखा हुआ है, ये शालिनी एक लड़की का नाम है। हिंदी में भी इसी तरह से बोलते हैं हम, किसी लड़की का नाम होगा शालिनी ऐसे ही बोलेंगे। और ग्रीष्म अवकाश, ये भी अक्सर हम लोग यूज करते हैं वर्ड। ग्रीष्म होता है गर्मी और अवकाश होता है छुट्टी, लेकिन यहाँ लिखा है अवकाशे, अवकाश में, यानी कि शालिनी गर्मियों की छुट्टी में पितृगृहम आगच्छति, पिता के घर आती है। पितृगृह मतलब पितृ क्या हुआ, पिता, गृह मतलब घर, और आगच्छति आती है। सर्वे प्रसन्न मनसा तस्याः स्वागतम कुर्वन्ति, सभी प्रसन्न, प्रसन्न हिंदी का ही शब्द है। अब आप कोशिश करोगे इसको इकट्ठा पढ़ने की, ऐसे पढ़ लोगे प्रसन्न मनसा, ऐसे नहीं पढ़ना है आपने। भले ही ये इकट्ठा लिखा हुआ हो, समास वाला शब्द हो, लेकिन आपको इतना इतना ही बोलना है। पहले इतना बोलो प्रसन्न, फिर बोलो मनसा। सर्वे प्रसन्न मनसा तस्याहा स्वागतम कुर्वन्ति, तस्याहा क्या है ये, तस्याहा बोलना है इसको। फिर उसके बाद स्वागतम क्या है, स्वागतम कुर्वन्ति, क्या लिखा है ये, कुर्वन्ति। परम तस्याहा भ्रातृजाया उदासीना इव दृश्यते। परम का अर्थ होता है हिंदी में लेकिन, तस्याहा उसकी। अब देखो तस्याहा मतलब उसका स्वागत करते हैं, और यहाँ पर भी तस्याहा शब्द है, तो इन दोनों का अर्थ एक ही है। ठीक है, उसका, उसके, उसकी, उसका, उसके, उसकी, यानी कि उस का लगा यहाँ, उसके लगा, उसकी की लगा, यानी कि का के की उसके साथ जुड़ गया, उसका, उसके, उसकी। षष्ठी विभक्ति एक वचन में ये शब्द रूप बनता है। शब्द कौन सा है, तत्शब्द रूप। ठीक है, भ्रातृ जाया उदासीना इव दृश्यति। भ्रातृ जाया कौन होती है, भ्रातृ होता भैया और जाया होती है उसकी पत्नी, तो भ्रातृ जाया कौन होगी, भाभी। उदासीना, उदासीना मतलब उदासीन, उदास, उदास शब्द हिंदी का उसी के साथ ईना लग गया, उदासीना। उदासीना मतलब उदास इव दृश्यते, यू मतलब जैसी दिखाई दे रही है, उदास जैसी दिखाई दे रही है, कौन, उसकी भाभी। तो अब शालिनी जो है आगे क्या होता है, शालिनी भ्रातृ जाए, शालिनी इस तरह से बुला रही, देखो ये एक्सक्लेमेटरी साइन है, जिसको बोलते संबोधन वाला। शालिनी भ्रातृ जाए
चिंतिता इव प्रतीयसे, आप बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हैं। सर्वम कुशलम खलु, सब ठीक है खलु, हैं खलु है, सर्वम कुशलम खलु, सब ठीक है। जब आप अपने घर में किसी को इस तरह से उदास देखते हैं तो आप उसको भी तो यही बोलते हैं, सब ठीक ठाक तो है ना, है ना? तो यही बात है, सर्वम कुशलम खलु, सब ठीक है ना, है ना? खलु हो गए यहाँ पर, है ना, सब ठीक है ना। तो माला कहती है आम शालिनी, अब यहाँ पर हमें पता चल गया कि भ्रातृ जाया का नाम क्या है, भ्रातृ जाया का नाम है माला। आम शालिनी, हाँ शालिनी, कुशलिनी अहम, अहम का अर्थ होता है मैं, और कुशलिनी मतलब ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। आम का मतलब होता है हाँ, हाँ शालिनी, कुशलिनी अहम, मैं ठीक हूँ। त्वदर्थम किम आनयानी, त्वदर्थम मतलब त्व मतलब तुम, दर्थम त्वद अर्थम मतलब तुम्हारे लिए, त्वद अर्थम क्या हो गया, तुम्हारे लिए। किम आनयानी, किम मतलब क्या, आनयानी लाऊं, तुम्हारे लिए क्या लाऊं, क्या लोगे। शीतल पेयम चायम वा, शीतल पेयम, शीतल होता है सर ठंडा, और पेयम होता है पीने वाली कोई भी चीज, ठीक है, ठंडी पीने की चीज लाऊं, या चायम वा, अथवा वा होता अथवा, यहाँ अथ लिख दोगे तो हो जाएगा अथवा, अथवा होता और, चाय और कोल्ड ड्रिंक, क्या लोगे बताओ, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो शालिनी, शालिनी कहती है अधुना तो किमपि न वांछामि, इस समय तो कुछ भी नहीं पसंद आ रहा है, चाहती हूँ इस समय कुछ भी नहीं चाहती हूँ, अधुना तो किमपि न वांछामि, इस समय तो कुछ भी, किम अभी मतलब कुछ भी ना, नहीं, वांछामी चाहती हूँ। रात्रौ, रात्रि में, रात्रौ क्या हो गया, रात्रि में, देखो रात्रि होती है रात, रात्रि रात, रत्तु यहाँ रात्रि भी नहीं है, यहाँ है रात्रौ, रात में सर्वे ही सभी के सहा साथ भोजनम मेव करिष्यामी, भोजन ही करूंगी, रात में सभी के साथ भोजन ही करूंगी। भोजन काले भी, भोजन के समय भी, भोजन काल, भोजन काल मतलब भोजन का समय, और यहाँ पर है काले, भोजन काल में, यहाँ आप बार बार देख रहे होंगे यहाँ सप्तमी विभक्ति बहुत बार यूज हो रही है, जैसे शुरू में आपने ये देखो यहाँ, यहाँ देखा आपने ग्रीष्म अवकाश होता है, यहाँ ग्रीष्म अवकाश लिखा है, एक ही मात्रा, वैसे भोजन काल होता है लेकिन यहाँ भोजन काले है, एक ही मात्रा लग रही है, इसका मतलब यहाँ सप्तमी विभक्ति, और सप्तमी विभक्ति का चिन्ह है मे पे पर, ठीक है। भोजन काल में भी माला, यहा माला की मनोदशा, मनोदशा मतलब मेंटली हेल्थ, स्वस्था ना प्रतीयते स्म, ठीक नहीं दिखाई दे रही थी, परम लेकिन, सा मुखे न, सा हो गया वह, मुखे न मुख से, किमपि न नोक्तवती, कुछ भी नहीं बोली। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इतना समझ चुके होंगे, अगर आप समझ चुके हैं तो नीचे रिप्लाई कमेंट में जाके यस लिखें, और यस लिखने के बाद इसको घर में रह करके अच्छे से पढ़ें, जब आपको इतना पढ़ना आ गया ना, समझ लो आप पूरा लेसन पढ़ लेंगे। तो धीरे धीरे हम इस पूरे लेसन को पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे हमें रीडिंग जो है इतनी बेहतर हो जाए हमारी संस्कृत की, कि हमें संस्कृत में कोई परेशानी ना आए। तो इसी तरह से हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे तक पहुँचाएँ। धन्यवाद।